आधुनिक समाज में जब पहली बार किसी महिला ने अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर कदम रखा होगा, तब शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि महिलाएं एक दिन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन वो समय आया और महिलाएं न सिर्फ अपने समुदाय के लिए बल्कि सबके अधिकारों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं। चाहे शाहीन बाग की महिलाएं हो या पुलिस से भिड़ती कॉलेज की लड़कियां, या फिर कृषि बिलों के खिलाफ गांव-गांव से राष्ट्रीय राजधानी का सफर तय करने वाली दादी, औरतें अब चुपचाप सब कुछ सहती नहीं है। वो बदलाव का हिस्सा बनती हैं। वो कभी शांत प्रदर्शनकारी होती हैं तो कभी सरकारों से लोहा लेती, पुलिस की लाठियों का मुकाबला करती मजबूत महिलाएं होती हैं। वही महिलाओं का एक ऐसा जत्था भी होता है जो कभी सामने नहीं आता है, लेकिन वो पीछे रहकर उस लड़ाई को खड़ा रखती हैं और वो रीढ़ की हड्डी होती हैं। इनके वैसे तो कई उदाहरण हैं, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो वो है किसान आंदोलन, जिसकी लगभग साल भर बाद जीत हुई। वो कहते हैं ना कि कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही इस आंदोलन की जीत के पीछे भी कई औरतों के कई बलिदान हैं। ये वो औरतें होती हैं जिनके सीने पर ना कोई मेडल सजता है, ना कोई इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र करता है। वो छूटी हुई ये औरतें हैं जिनका काम इंकलाब का इंतजार करना होता है। इस जीत के बाद दिल्ली हरियाणा की सीमाएं जश्न में नहाई हुई हैं। किसानों की आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान और जोश में उनका चिल्लाना, इंसानी किडनी से भी कीमती कैमरे इन पलों को कैद कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि कमर वाली, बुलंद आवाज वाली, कैमरों के फ्लैश अलग अलग एंगल से उन्हें भी टटोल रहे हैं, लेकिन करोड़ों औरतें इस जश्न में शामिल नहीं हैं। वो आंदोलनकारी पतियों की पत्नियां हैं या फिर बहन बेटियां हैं, जो साल भर से खेत सूख ना जाए इसलिए वो मिट्टी गोड़ रही हैं, बॉर्डर तक खाना पहुंचता रहे इसलिए फसलें उगा रही हैं। सैनिक मोर्चे पर होते हैं बीवियां घरों में, सैनिक फ्रोजन बीन्स खा रहे होते हैं, बीवियां मौसमी सब्जियों के साथ गर्म चपाती, सैनिक बंदूकें चला रहे होते हैं, बीवियां टीवी का रिमोट। फर्क तो है, लेकिन ये आधा सच है। बाकी सच ये है कि सैनिक निश्चिंत होकर बॉर्डर पर हैं क्योंकि उनकी औरतों ने अंदरूनी मोर्चा संभाला हुआ है। वो मौसमी सब्जियां पका रही होती हैं ताकि घर के बाकी सदस्य सेहतमंद रहें। वो टीवी का रिमोट थामे होती हैं ताकि पल पल की खबर मिल सके। सैनिक लौटेगा तो सीने पर सुनहरा तमका चमकेगा, ना लौट सके तो धुन के साथ शहीद राग बजेगा। और जहां थी वहीं रहेगी उन कहानियों के साथ जो कोई नहीं सुनना चाहता। किसान बीवियों के साथ भी यही होगा। मांगे मान ली गई, आंदोलन छटेगा, किसान लौटेंगे, किससे कहानियों से भरे हुए किसान चारपाई पर बैठकर शौर्य गाथा सुनाएंगे कि दिल्ली बॉर्डर कैसे उनकी तेवर से तमतमा गया। औरतें इन किस्से वीरों को चाय का गिलास थमाते हुए घोट जाएंगी उन कहानियों को जो बीते साल भर से उनके साथ रही, कैसे रात रात भर उन्होंने फसल की रखवाली की, कैसे साइकिल ना चलाने वाली किसान पत्नी ने रातों रात ट्रक चलाना सीख लिया, जब किसान दिल्ली किनारे बसे हुए थे उनकी बीवियों ने कैसे घर को अकेले संभाला हुआ था। लाखों अनकही कहानियां हैं जो सिंगू या टिकरी बॉर्डर से दूर गांवों में इंतजार कर रही हैं अपने सुनाए जाने का, क्योंकि इंकलाब सिर्फ सीमाओं पर नहीं आता बल्कि उन तमाम औरतों में बसता है जो मोर्चे से दूर रोज लड़ाई लड़ रही होती है।